हाय, मैं प्रियंका एंड यू वेलकम टू द टेरेस किचन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ एक प्रोफेशनल ब्लेंडर की। यह है अगारो ब्रांड से। इससे पहले भी मैं आपको अगारो ब्रांड का एक प्रोफेशनल ब्लेंडर दिखा चुकी हूँ, बट उसमें और आज वाले में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अगारो रॉयल प्रोफेशनल ब्लेंडर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगारो रॉयल प्रोफेशनल ब्लेंडर मिक्सर ग्राइंडर एक हैवी ड्यूटी 2000 वॉट का मिक्सर ग्राइंडर है। इसकी मोटर है 100% कॉपर से बनी हुई। आपको अपने पिछले एक वीडियो में मैं अगारो ग्रैंड प्रोफेशनल ब्लेंडर भी दिखा चुकी हूँ, जो कि नए वाले से इस बात में अलग है कि उसमें एक ही जार है और साथ में उसमें डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, पर दोनों ही 2000 वॉट के हैं। ये दोनों ब्लेंडर्स कमर्शियल और हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के साथ साथ घर में भी यूज किए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं अगारो रॉयल। इसके साथ आपको मिलेगा ये छोटा वाला जार जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 600 ml। इसमें हार्डेंड स्टील ब्लेड्स यानी अच्छी क्वालिटी की शार्प और मजबूत स्टील ब्लेड्स दी गई हैं। इसके दोनों ही जार्स BPA फ्री है। साथ ही में आपको साइड में लेवल की मार्किंग भी नजर आ जाएगी। इस जार में आप ड्राई ग्राइंडिंग या वेट ग्राइंडिंग दोनों कर सकते हैं। ये जार है 2 लीटर का। अच्छा खासा बड़ा ये जार है, लेकिन आप इसे कम क्वांटिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये भी BPA फ्री है। इसकी काफी स्टर्डी बॉडी है और साइड में पोरर है, यानी आप इसमें से कोई लिक्विड आसानी से पोर कर सकते हैं। इसमें 8 लीफ डिजाइन वाली स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स दी गई है। काफी अच्छी क्वालिटी की और हैवी है। इस पर भी आपको 2 लीटर तक की मार्किंग्स दिख जाएंगी ml में। बस एक बात का ध्यान रहे कि आप मिक्सर के जार को, फिर वो बड़ा हो या छोटा हो या कोई भी मिक्सर हो, ऊपर तक ना भरें। उसे हाफ या ज्यादा से ज्यादा 3/4 ही भरना चाहिए, वरना लीकेज हो सकता है। बड़े जार के लिड में गैस्केट दी गई है ब्लैक कलर की और ऊपर एक कैप है जिसे आप रिमूव करके यहाँ से भी कुछ इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं। साथ में है ये ब्लेंडर टैम्पर। इसका यूज किया जाता है उन चीजों के लिए जिन्हें आपको ब्लेंडर को ऑपरेट करते समय हिलाने की या मिक्स करने की जरूरत है। तो ब्लेंडर खोल के चम्मच घुमाने की बजाय आप इस टैम्पर को यूज कर सकते हैं और ऑपरेट करते समय ही आप चीजों को मिक्स कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ब्लेंडर रोकना ना पड़े। यह है इसकी मेन बॉडी जिसमें मोटर है, तो ये काफी कॉम्पैक्ट है। इसमें 5 प्रीसेट फंक्शंस भी दिए गए हैं। साथ में है ये पावर केबल। इस मशीन के ऊपर जार को रखना और निकालना बहुत ज्यादा आसान है। साथ ही साइड में एक छोटा सा लॉक आप देख रहे हैं। जार रखने के बाद उस लॉक के अंदर का बटन प्रेस होता है और उसके बाद ही मशीन शुरू होती है। उसके बिना आप मशीन चाहेंगे तो भी शुरू नहीं होगी। यह है इसका टच पैनल। मिक्सर ऑन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में टाइम दिखेगा और राइट साइड में स्पीड, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे मोड उसके हिसाब से। सूप यूज करके आप सूप ब्लेंड कर सकते हैं, स्मूदी है, आइसक्रीम ऑप्शन है, ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडर ऑप्शन है, सॉस ऑप्शन यूज करके आप ग्रेवीज ब्लेंड कर सकते हैं या फिर पीनट बटर, इस तरह के नट बटर्स बना सकते हैं। नीचे है पल्स बटन, जो कि नॉर्मल मिक्सी के पल्स बटन की तरह है। अलग से टाइमर, पावर और स्पीड बटन भी है। पावर बटन से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइमर से आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं और स्पीड से आप स्पीड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो प्रीसेट ऑप्शंस हैं, उन्हें अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो टाइम और स्पीड ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी, पर आप खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। जैसा कि आपने देखा कि जार प्लेस करने के बाद ही मशीन पर डिस्प्ले इनेबल हुआ, ऑन हुआ। ये एक सेफ्टी फीचर है। जैसे आप पावर बटन पर प्रेस करेंगे, बिना मोड या स्पीड टाइम सिलेक्ट किए मशीन शुरू नहीं होगी। सूप मोड सिलेक्ट करने के बाद ये टाइम दिखा रहा है 180 सेकेंड। जब आप पावर ऑन करेंगे तो आपको स्पीड नजर आएगी। आप तुरंत उसे बंद भी कर सकते हैं। वैसे आपको बाकी सारे ऑप्शंस पे भी टाइम की सेटिंग दिख जाएगी और ऑन करने पर स्पीड नजर आएगी। ये प्रीसेट मोड्स केवल टाइम और एक स्पीड का कॉम्बिनेशन नहीं है। टाइम के साथ एक ही मोड में आपको अलग अलग स्पीड्स मिलेंगी, तो आप प्रीसेट मोड यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टाइम और स्पीड सिलेक्ट करने का। आप कोई भी प्रीसेट मोड सिलेक्ट किए बिना अपने हिसाब से टाइम और स्पीड सिलेक्ट करें। मैक्सिमम स्पीड है 9 तक और फिर जब आप पावर ऑन करेंगे तो जितने सेकंड्स का आपने टाइमर शुरू किया है तब तक आपका मिक्सर चलेगा, लेकिन आप चाहें तो पावर बटन पे क्लिक करके उसे बंद भी कर सकते हैं। पल्स बटन दबाकर रखेंगे तो मिक्सी चलेगी, जैसे ही छोड़ेंगे बंद हो जाएगी। दबाकर रखेंगे तब भी वो मैक्सिमम 30 सेकंड के लिए चलेगी। रेसिपी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। साथ ही में आपको मिलेगी एक यूजर मैनुअल जहां पर आपको इस ब्लेंडर की जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब मैं आपको इसे यूज करके दिखाती हूँ। सबसे पहले बनाएंगे बिरयानी मसाला। उसके लिए साबुत धनिया, जीरा, शाही जीरा, काली मिर्च,
दालचीनी, जावित्री, तेजपत्ता, तेजपत्ता आप तोड़ कर डालें, इन सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बड़ी इलायची, चक्रफूल और छोटी इलायची, साथ में थोड़ी सी लौंग, इन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे जब तक हल्की सी खुशबू ना आने लगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनके लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी ठंडे हो गए हैं मसाले, इन्हें मैं ट्रांसफर कर रही हूँ जार में। अब छोटे वाले जार में मैंने इन्हें डाला है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ मसाला है, स्ट्रांग है, आप कई बार इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी बिरयानी रेसिपीज में। तो काफ़ी स्ट्रांग है, 2000 वॉट की मोटर, और इसीलिए ये सूखे मसाले को भी बहुत आसानी से फाइन पीस देती है। ये देखिए काफ़ी मोटे कड़क मसाले थे और सबकी बहुत अच्छी पाउडर बन गई। इससे आप वेज और नॉन वेज दोनों बिरयानी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मखनी ग्रेवी का पेस्ट। इसके लिए एक पैन या कढ़ाई में डालिए टमाटर, प्याज, सूखी लाल मिर्च, अगर आपको तीखापन कम चाहिए तो आप बीज निकाल दें, थोड़ा सा लहसुन और अदरक। उसके बाद डाले थोड़े से काजू और पानी डालकर धीमी से मीडियम आंच पर ढककर इसे पकाएं 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद देखिए कि अच्छे से ये गल जाएंगे, प्याज भी ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे। इन सबको ठंडा होने दें और उसके बाद डालें ब्लेंडर जार में। आप मैन्युअली भी टाइम और स्पीड डाल सकते हैं, पर मैं यूज़ कर रही हूँ सॉस प्रीसेट मेन्यू। जितना इसका सेट टाइमर है, अगर आपको उसके बाद भी चाहिए कि और आपको चलाना है तो वापस से सॉस का प्रीसेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और पेस्ट बना सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा महीन बारीक पेस्ट बन गया है जो कि मखनी ग्रेवी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं टोमेटो सूप। उसके लिए पहले प्रेशर कुकर में हम सब्जियां पकाएंगे, तो पहले डालेंगे थोड़ा सा तेल, आप बटर या घी डाल सकते हैं, तेज पत्ता, चक्रफूल, काली मिर्च और प्याज। एक प्याज आप मोटा मोटा कट करें, उसके बाद डालें। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर डालें थोड़ा सा लहसुन और अदरक। उसके बाद डालें मोटे टुकड़ों में कटे हुए टमाटर और सूखी कश्मीरी या ब्यारगी लाल मिर्च, बीज निकाल दें ताकि तीखापन और भी कम हो जाए, इससे ज़रा रंग अच्छा आएगा सूप का। पानी डालें, ढक्कन लगाएं, मीडियम से लो फ्लेम के बीच में आप 3 से 4 सीटी से पका दें। उसके बाद जो खड़े मसाले हैं उन्हें निकाल दें। कुछ काली मिर्च आप निकाल सकते हैं और कुछ रहने दे सकते हैं, या फिर पूरी तरह से काली मिर्च को आप रहने दे सकते हैं। ये थोड़ा सा गुनगुना हो गया है, गुनगुना या ठंडा होने के बाद आप ब्लेंडर जार में डालें। मैं यूज़ कर रही हूँ सूप प्रीसेट मोड। ये बहुत अच्छा स्मूथ ब्लेंड हो गया है कि मुझे इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और इस वजह से इतनी ही क्वांटिटी के टमाटर प्याज में जो मैं सूप बनाती हूँ उससे ज़्यादा सूप मैं बना पा रही हूँ। कॉर्नफ्लावर की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नमक और चीनी डालें, अपने हिसाब से सीजनिंग एडजस्ट करें, एक उबाल आने दें और सूप को परोसें। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि छानना नहीं पड़ा, फाइबर भी है इसके अंदर और साथ में ये सूप बहुत स्मूथ बना है बिना कॉर्नफ्लावर के। इसी तरह से आप और भी सूप्स इसमें बना सकते हैं। जार काफ़ी बड़ा है तो अच्छी क्वांटिटी आप एक ही समय पर बना सकते हैं। आपको इस ब्लेंडर के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और द डेयर्स किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।